हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनटीए जेएनयू के आपके जो मॉक टेस्ट जो कुछ मुझे मिला है वेबसाइट पे, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा है तो वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और अपना लेवल देख सकते हैं कि आपका लेवल कितना आ रहा है। तो चलते हैं वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या सर्च करेंगे, एनटीए एनटीए जेएनयू फ्री फ्री मॉक टेस्ट। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये देने के बाद अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। मैं किसी की तरफ से आपके यानी कि एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप गेट फ्री मॉक टेस्ट पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपके टेस्ट उपलब्ध है। ओनली एक 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 ही है, तो आप इनको आप देख के चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, जैसे कि मैं अपना ही नाम फिल कर लेता हूँ। तो फिल किया तो फिर इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आई एम रेडी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा मॉक टेस्ट आपके ओपन हो जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सूचना शेयर करने के लिए दूसरे से कनेक्ट से दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है। तो किससे बनता है? पाइपलाइन से बनता नहीं, नेटवर्क से बनेगा। तो नेटवर्क आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए तो किसका प्रोसेस होगा? तो हार्ड डिस्क हो सकता है या फिर सीपीयू हो सकता है। सीपीयू नहीं होगा, मुझे लगता है आपके हार्ड डिस्क होगा। आप देख लेना, आपकी जो आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी। तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ओरिएंटल के अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने की वर्णमाला के बीच में है। यानी कि आपको ऐसे गिनना है, जैसे ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी आपको गिनना है कि इसके बाद आपके बीच में कितने अक्षर आ रहे, ऐसी संख्या आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे दिया हुआ जैसे कि एल था, आप क्या दिया हुआ, ये पैसेज दिया हुआ, शायद पैसेज दिया हुआ। तो पैसेज को आप पढ़ के इसका आपको आंसर देना है। तो जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। तो हर वर्ष नए साल पर 1 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक दिवस को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है आपके वैश्विक परिवार दिवस शायद मनाया जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3.3667 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो वो आपको पता होना, या तो उड़ीसा तो होगा नहीं, मुझे लगता है आपके पंजाब हो सकता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा है? तो वो आपके लोथल गुजरात है, ये आपको याद रखना है। बंदरगाह के संबंधित कोई भी तो सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है तो वो आपके सीधा लोथल ही होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया? तो विज्ञान के लिए जी वाले सचिवालय समूह मुझे लगता है आपके बेंगलुरु हो सकता है, बेंगलुरु आपके हो सकता है। किस मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो इको पार्क का निर्माण आपके कौन से कर सकता है? कोयला मंत्रालय तो करेगा नहीं, हो भी सकता है, या तो विकास मंत्रालय करेगा। एक बार देख लेते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं जितने मैम। कोयला होगा, कोयला आपके कोयला मंत्रालय ने इको पार्क की आने के आपके निर्माण की मंजूरी दी है। तो इसका क्या है, कैथोलिक धर्म गुरु का हाल ही में 94 वर्ष की निधन हो गया। ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। किन्होंने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? पेले इंग्लैंड के है, पेले इंग्लैंड के ही है ना। पेले ब्राजील के हैं, पेले ब्राजील के हैं। तो इस तरीके से आप देख क्वेश्चन आप देख लेना। अब देख लेते हैं सर मैथ के क्वेश्चन। जैसे कि 5 संख्या का औसत 306.4 है, तो पहले 2 संख्या का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 214.5 है। आप आराम से निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन। एक 3 अंकों की संख्या में 21 अंक इसके दाए अंक का दुगुना है। एक 3 अंकों की संख्या है, देखो इसको थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक 3 अंकों की संख्या इकाई अंक दाई अंक का दुगुना है, तो यानी कि इकाई अंक दाई अंक का दुगुना है। एक है तो इकाई अंक दाई अंक का दुगुना है, तो 3 संख्या है, तो आप इकाई दाई अंक तो आपको जानते ही है, तो आपको यानी कि कर सकते हैं, तो दुगुना है और सैकड़ा का 0.5 गुना है, सैकड़ा का 0.5 गुना है। तो ये हो गया। तो अगर 15 गुना, तो अगर संख्या के तीनों अंकों का योग 13 है, बिल्कुल, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो ये तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो गया 436, ऑप्शन टू इज राइट आंसर, 436 होगा, तो आप इसको निकाल कर दे सकते हैं। आयु क्रम में आपको रखना है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो इस तरीके से आपको निकालना। मतलब चौथे स्थान पर कौन सा होगा, ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने पढ़ लिया कि आरोही क्रम में लिखना है, यहाँ पढ़ा, फिर लो कैंडिडेट लोग पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, फिर देख लेते हैं कि कौन से छोटे थे, वो आपको टेक लगा लेते हैं। इस ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2 45 का कितना प्रतिशत है? तो 245 का आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपके 4 होगा 180 20 0, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, यानी कि आप 2 आपका राइट आंसर होगा। एक वस्तु को 877 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ इसे 673 रुपये बेचने से हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु का 878 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ इसे 673 रुपये बेचने पर हानि के बराबर है। तो अब आपको इसका डिफरेंस निकालो पहले, इन 800 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो या तो आप 877, ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा करना पड़ेगा आपको। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 476 से बाध्य हो, तो हो सकता है आप कर सकते हैं। न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, तो 47,400 तो बड़ी है, और हो सके तो आप लगभग सबसे लास्ट ऑप्शन आप पहले ट्राई करें, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो देख लिया आपने लगभग सारे क्वेश्चन एक बार से, आप देख जल्दी जल्दी से ये भी आप कर सकते हैं, यानी आपको लगभग ज्यादा तो आपको जानने की आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको जीके के टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल फोन दुकान मालिक क्रम मूल्य से 32% ज्यादा ग्राहक से लेता है, यानी कि 100 रुपये का मोबाइल है तो उसको 132 रुपये में बेचेगा, यानी कि 32 रुपये वो मुनाफा कमाएगा। तो ग्राहक ने मोबाइल को फोन को 6,400 रुपये भुगतान किए, तो उसका क्रय मूल्य कितना है? तो 6,400 को ऊपर रखेंगे तो
और इंटू 100 करेंगे और 132 को नीचे रखेंगे और फिर इसको हम काट पीट के करेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 50,000 यानी 5,000 हमारा आंसर होगा। 12 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो इसको ऊपर 12 × 10 यानी कि आपके वो सूत्र कौन सा है, एम इंटू एन इंटू डी, ऐसा कोई क्वेश्चन है वो सूत्र है, सूत्र के हिसाब से करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी 12 × 10 को आप ऊपर रखेंगे 120 हो जाएगा, यानी कि 15 दिन आपका ये नहीं 15 नहीं आपके हो जाएगा 12 × 10 120, 120 में आप 8 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 15, आपका आंसर होगा 15। इसमें आपके ऑप्शंस नहीं है तो आपका इनमें से कोई नहीं, आपका ये आपका राइट आंसर होगा। आपको जोड़ना है फिर घटाना है, ये आप कर सकते हैं, जैसे कि इसको और वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात करें, तो या तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज ब्याज ये है, तो मूलधन क्या है, तो या तो ऑप्शन से ट्राई करो, आपको निकलना आता है तो ऑप्शन से लगभग मुझे लगता है इजी देखा है, फिर आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लगभग आपके आसान है देगी, यानी कि आप सबसे पहले 10,500 आप ऑप्शन लेकर ट्राई करें, तो आप तो देखते हैं कि किसमें आपके ब्याज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा आप उससे कम प्राइस को ले, अगर कम आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस को आप ऑप्शन वापिस रखें, यानी कि देख लेते हैं एक बार, जैसे कि हम 14,800 को इक्वल लेते हैं, 14,800 6,660 आ रहा है, यानी कि आपके 14,000 तो आपके वो नहीं होगा, ऑप्शन 3 तो आपके नहीं होगा, इससे थोड़ा कम आपके लगभग 13,000 नहीं 12,000 एक बार ले, 12,000 आप ऑप्शन लेना जिससे आपके लगभग हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये कर्ज लिया और जिसमें कुल लाभ 12% और शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर था, और 2 वर्ष के अंत उसने कर्ज को चुकता करने के लिए 36,480 भुगतान किया, तो 12% क्या है, 12% दर पर दी गई राशि की राशि कितनी है। तो इसमें आप देखो, इसमें आप मिश्रित यानी क्या बोलते हैं मिश्रित धन से आप निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि पहले टोटल ब्याज कितना है तो उसकी हम रेशियो निकाल देते हैं, टोटल ब्याज का रेशियो आपका यानी कि कितनी देर आएगी वो निकाल देते हैं, ये आ गया आपके फिर 2,000। तो देखो एक थोड़ा कैलकुलेशन है तो आप एक बार इसको देख लेना और पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आपका नहीं हो तो मुझे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे, जो मैंने नंबर दिए हुए 7891159019, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं फोटो सेंड, या फिर टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हैं। तो यही पूरी अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।